भाई कितना प्रोफेशनल है। बहुत ज्यादा ये सुराही के आर्ट्स बनाए हमने, बहुत इजी रहता था, बट ये इंडियन सुराही है। ये इंडियन है, ये भी इंडियन है, उधर वाली जो है वो सीरिया की है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो टुडे वी आर एट सालार जंग म्यूजियम एट हैदराबाद। सो इन दिस वीकेंड वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द हिस्टोरिकल प्लेस इन हैदराबाद। तो आज सालार जंग म्यूजियम विल कवर इट। तो आज देखते हैं चौ मोहल्ला पैलेस भी ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो एक दिन में घूमना रहता है, दूसरे दिन में कपड़े धोने रहते हैं। सो नेक्स्ट so first of all going for ticket, then after that go inside. So here is the ticket counter. Here is the some ticket details you can see. We got four tickets, two for mobile and photography and two for andar visit karne ke liye and all this. So agar aap aa rahe hain shooting kar rahe hain to aapko ye separate se leni padegi ticket, warna andar allowed nahi, aapko fine pad sakta hai. To yahan pe bags wala baggage rakhne ke liye alag se locker diye jaate hain, 10 rupaye ki ticket hai. So here is the some details of museum. ये जो है मीर यूसुफ अली का स्टेचू है सालार जंग, जो कि थर्ड निजाम थे। सालार जंग इज इनॉग्रेटेड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 24 जुलाई 1968 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये रहा है एंट्रेंस। एंट्रेंस के लिए पहले बोर्ड लगा दिए गए हैं उर्दू में, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु में सब। पवन, स्कूल जैसी फीलिंग आ रही है ना? इधर अंदर कितना आंगन लग रहा है, यहाँ हम लोग प्रेयर करते हैं बैठ के। ये है टम 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 राजस्थानी हाथी दासी, आज कला को ताकि के लिए जो हाथी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी है ये। ये है दोस्तों घोड़ा गाड़ी, घोड़ा तो है नहीं है, गाड़ी है। नहीं, घोड़ा घास खाने गए, घोड़ा घास। ऐसा सीक्वेंस बनाया गया है कि मतलब बोर्ड लगाए गए हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन भी दी गई है, उसमें आने और जाने में कन्फ्यूजन नहीं रहती कि कहाँ से एंट्रेंस करना है, कहाँ से है। दोस्तों ये है आइवरी रूम, हाथी दांत का कमरा, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये सब हाथी के दांत के बने हुए हैं ना। ये है बना हुआ हाथी के दांत, किंग क्वीन से बड़ा ताजमहल ये अंदर, ये ताजमहल की सस्ता ताजमहल, सस्ता नहीं बहुत महंगा है हाथी के दांत। हमारा क्या नाम है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हैदराबाद में, कुतुब मीनार के दर्शन। हाथी के दांत से जिनसे डिज़ाइन बनाया गया है, लाइक वो तलवार का कवर है ना, तलवार का कवर, वो हाथी का दांत ही ऐसा होता है उसी के आकार में, वो सौथ के जो फेस्टिवल में जो तराश के उसे तराश के बनाते हैं। सो हियर इज सम कारीगर भी बैठा जो बना रहा था, होती थी पालकी ना, दुल्हन को बैठाया जाता था या फिर रानी आती थी तो उसको बैठाया जाता था। तो वो रही है रामनगर की बनाई गई 19th century, ये उत्तर प्रदेश की, ये आयरन की मेट है जो हाथी की दांत की बनी हुई है। कुर्सियाँ हैं जो फ्रांस में जो लुई थे हमारे 16 उनके द्वारा टीपू सुल्तान को भेंट की गई थी। ये तुम्हारा हुआ था 18th century में, 18वीं शताब्दी के आसपास। एरिए को ऐसा देख के लगता है ना कि जैसे पेरेंट्स आते थे स्कूल में तो वेट करते थे बच्चों के लिए। तो वो है क्लॉक, वहाँ पे जाके एक बार शूट करते हैं। तो ये रही म्यूजिकल वॉच, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं।
छोटा सा रहता है अंदर वो जो है ना डोर, ये जो डोर है यहाँ से एक लड़का बाहर आएगा, ये बेल जो है इसको बजाएगा, मतलब एक बजे तो एक ही बार बजाएगा, तो दो बज रहे हैं दो बार, अगर 12 बज रहे हैं तो 12 बार बजा के जाएगा। तो इस घड़ी की ये खासियत है। नहीं, तो लड़का कौन सा आता है अंदर, ये छोटा एक मतलब आर्ट बनाया हुआ है, इतना छोटा था कि पता ही नहीं चला कब बाहर आया, बेल बजा के चला गया। मैं कुछ जादू होगा यार, कुछ अच्छा मतलब बड़ा होगा, तो ये तो पता ही नहीं चला। मैं अलग अलग अरेंज करके रखा हुआ है, यहाँ से एंट्री वहाँ से एग्जिट, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, टाइम भी ज़्यादा लगता नहीं। और यहाँ से ये कुछ है वॉकिंग स्टिक्स, अब तो यहाँ से ऐसे सीक्वेंस चलता है, वहाँ से एंट्री गेट है पूरे, यहाँ से देख के आप, और यहाँ से ये वाला पोर्शन कवर करके नाउ हियर इज एग्जिट गेट। बहुत ज़्यादा मेटल वेव्स हैं, बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, अगर मैं पूरा कवर करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको पता ही कौन सी चिल पड़ी हुई है इतना। तो ये मेटल्स के कुछ उधर वाली जो है वो सीरिया की है, ये भारत का हमारे कटोरा है भीख मांगने वाला, ठीक है, पाकिस्तान का कटोरा नहीं। स्पेशल वन थिंग इज उड़ीसा, कटक का है ये, उड़ीसा का हमारा क्या बोलते हैं इसको, ट्रे, उड़ीसा की ट्रे है ये, हमारा उड़ीसा का, और ये भी ट्रे है, ये भी उड़ीसा का ट्रे है, उड़ीसा। दीज आर बो एंड एरोस ऑफ सेवनटीन सेंचुरी के, ये तीर कमान है, एंड दिस इज तो ये 17 सेंचुरी के जो रहते थे ना मर्द के कोट्स रहते थे जो पहन के वार करते थे, भी वार करने जाते थे, तो ये कुछ बालर टाइप का है, एंड दिस इज अ हैंड आर्म गार्ड, और यहाँ पे ये हेड गार्ड है। तो ये है शील्ड, और उसके बाद बाला 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 शॉर्ट्स हैं, कहाँ की हैं, पर्शियन की शॉर्ट्स हैं, ये तवर बचपन में ना मतलब लकड़ियाँ काटते थे हम इसे, कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी बड़े वाली होती है, ये तवर ही होती है, छोटी। ये तलवार जो आप देख रहे हैं, ये औरंगजेब जो थे उनकी तलवार है, ये निकाल ले, पिक्चर पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्कूल, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके, सो आई एम नाउ आई एम जस्ट फीलिंग प्राउड कि हमारा कुछ तो है यहाँ पे, हमारे गांव का नहीं बट हमारे नाम का कुछ तो है। तो इससे यहाँ पवन को कुछ मिला है, लैला एंड मजनू, लैला एंड मजनू ऑफ 18th century के, ये लैला मजनू की कुछ आर्ट्स बनाई हुई है, लैला मजनू है, देखिए लैला मजनू, मजनू की हालत हमेशा ऐसी रहती है, हाँ ऐसी रहती है। चलते चलते पवन भैया को लग गई है प्यास और मुझे लगी है भूख, तो वी आर जस्ट मूविंग टूवर्ड फूड कोर्ट, पता ही कितना महंगा होगा, सस्ते सस्ते ब्लॉग रहे हैं, इज अ फूड कोर्ट, रिसेप्शन काउंटर यहाँ पे वेट करना पड़ रहा, लाइन लगी है, यहाँ मेनू कार्ड इतना बड़े बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो यहीं पे एक ही जगह है जहाँ पे आप टोकन लेके देन यू कैन टेक योर फूड। तो ये है रहा फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक रखे गए हैं, वे टू नेक्स्ट गैलरी। तो यहाँ पे कुछ सम ओल्ड पालकीज जहाँ पे महारानी रानी जो रहती थी उनको ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसा कितना खूबसूरत रहता था मंजिल ना, आजकल की हमारी है महारानियाँ गार में बैठती हैं। गुड़िया सामने खड़ी हुई हमारे,
ये कुछ क्ले के टॉयज बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये कुम्हार के मिट्टी के जो बर्तन, गांधी जी नमस्ते नमस्ते। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है? अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर पे, हम भी फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं, सेकंड फ्लोर पे गए नहीं यार, क्या क्या दिखाएंगे। तो ये रहा ईस्टर्न ब्लॉक, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। इज द बिग चार्ट ऑफ इंडियन कल्चर दैट इज डिस्क्राइब इन वन पिक्चर। क्या बोलते हैं अचार लगाने का, झाड़ी बोलते हैं ना हैदराबाद में, क्या बोलते हैं इसको, इसको जाड़ी, जाड़ी बोलते, जाड़ी बोलते। चलो पच्चीस इसमें नींबू का अचार, पच्चीस में आम का अचार, कोई आया सब उनको खिला दे। थैंक यू अंकल ने इंट्रोड्यूस किया। ये जो है जाड़ा बोलते हैं हैदराबाद में इसको, जाड़ा बोलते हैं, बट बेसिकली चारदानी है। यहाँ पे चाइनीज गैलरी है, लेकिन चाइना की जो आर्ट आर्ट है, जो कला है, इससे डिफरेंट ना, इससे कम्प्लीटली डिफरेंट डिफरेंट। बट उनकी चीज़ ओरिजिनल रहती है, हम तो नाम से बोलते हैं कि चाइनीज़ है मान लिया, बट वो ऐसी चीज़ भी बेचते हैं कि जो मतलब मार्केट में टेम्परेरी चीज़ की टेम्परेरी यूज़ करके परसेप्शन बना हुआ है, बट चाइनीज़ चीज़ें ऐसी नहीं है, देख सकते हैं आप। ये रही स्टेशनरी गैलरी, लाफिंग बुद्धा। जापानी गैलरी, बट वी आर लुकिंग फॉर द रशियन गैलरी, क्योंकि वो हमारे बहुत प्रिय खास हैं, तो उनको कुछ रखा नहीं है इन्होंने। जो सेरेमनी वगैरह होती थी ना, उसमें यूज की जाती थी ये सारे तलवारें, ये तलवारें। यहाँ पे जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे तलवार हो गई, कुछ मतलब जो हाथी के दांत के साइज का हो, सब तो उसी चीज़ हाथी के दांत का ही सब कुछ बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है 13 सेंचुरी द यूटेंसिल्स डिशेज एंड वट एवर इंक्लूडिंग इन यूटेंसिल्स। भी सामान यहाँ पे आता है इंडिया में, जो गैलरी में रखा जाता है, मतलब म्यूजियम में रखा जाता है, तो ये ऐसा होता है कि जो भी किसी देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है किसी कंट्री में, तो उस कंट्री से आप खुद की कुछ ऐसी चीज़ें जो ओल्ड कल्चर या हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, तो उनको गिफ्ट किया जाता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर संभाल के रखी जाती है टू शो द पीपल। कभी कभी वो फॉरेन के भी होते हैं, कभी कभी हमारे कंट्री की भी जो फॉरेन चीज़ें रह जाती हैं किसी। बच्चे अकल के कच्चे, मन के सच्चे, तो मतलब ये देखो, ये देखो क्या करेंगे खिलौने। मुझे ये जापानीज़ आंटी बहुत अच्छी लग रही है, बात कर चाइनीज है, जापानीज है, एन ओल्ड मैन प्ले अर्ली 20th सेंचुरी ऑफ चाइना का है। तो यहाँ पे वो टॉयज बना के यहाँ पे कैप्चर किए हुए जो पुराने ज़माने में मतलब यूज़ किए जाते थे, जो हथियार गाड़ी यूज़ की जाती थी, तो यहाँ पे ये फ्रेंच है, यहाँ पे ये पूरी आर्म फोर्स है फ्रेंच की, फ्रेंच अफ्रीकन गैलरी। ये कब की अखबार पड़ी हुई है बच्चे, अच्छा कम से फ्रेंच व्यक्ति हैदराबाद की न्यूज पढ़ रहा है बैठ के, इसके नाम पेपर है हैदराबाद की न्यूज पढ़ रहे हैं और वो तो अब अगर आप किसी भी ऐसे मतलब ऐसे गैलरी या उसके अंदर जो बना हुआ है बॉक्स कीप किया हुआ है उसके अंदर, तो अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे
they are just keeping the QR code with number 43, and you can listen about you can just scan and listen. Manuscripts Gallery. Gita. ये हमारा क्या है, ये तो भगवत गीता पोएटिक फॉर्म में है, भगवत है, ये भगवत गीता उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है। ये श्लोक हैं उर्दू में लिखे हुए महाभारत के। राजन म्यूजियम है, दिस इज़ अ आर्ट म्यूजियम, द थर्ड बिगेस्ट म्यूजियम इन इन द इंडिया। इसमें जो भी है आर्ट्स कलेक्शन किए गए हैं, जो अपने सरदार थे मीर यूसुफ अली खान, जो प्राइम मिनिस्टर थे हैदराबाद के, उनके समय के दौरान जो भी कल किया, लगभग उन्होंने 35 साल यहाँ बिताए पूरी दुनिया से कल किया, जो उनकी इनकम थी ना, उन्होंने लैक्स ऑफ रुपीज टू स्पेंड कलेक्ट द आर्ट फैक्ट्स फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे यहाँ की हिस्ट्री में लिखा हुआ है। इस म्यूजियम में जो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है 1.1 मिलियन, यू कैन इमेजिन, जो कि जापानीज, इंडियन, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी और के साइड की जो भी है ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हुए हैं। दिस इज ऑल अबाउट सालार जंग म्यूजियम। तो यहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा ही मतलब जो है मोनूमेंट्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनको कवर करना, कवर कर पाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हमने कुछ फेमस ही कर पाए हैं। देन इस वीडियो में, इस व्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट वी विल अच्छा लगा हम लोगों को उनके, एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर चौमोहल्ला पैलेस। सो